वाईफाई स्मार्ट नेट कैमरा, इजी टू अचीव रियल टाइम रिमोट व्यूइंग। यहाँ पे आपको IR कट दिया गया है जिससे कि आप जहाँ पर चाहें आपको कलर वीडियो मिल सकती है। इसमें वाईफाई मतलब ये आपका कैमरा वायरलेस है, इसको आईफोन और एंड्रॉइड दोनों में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप 64GB की SD कार्ड तक यूज कर सकते हैं। इसको पैन एंड टिल्ट आप इसको ऊपर और नीचे 90 डिग्री तक और फिर साइड में 355 डिग्री तक आप इसको रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पे टू वे इंटरकॉम मतलब कि आप जो कुछ भी बोलेंगे वो आपके कैमरे से ऑडियो निकलेगी और आपके कैमरे के पास जो कुछ भी ऑडियो हो रही होगी, नॉइस हो रही होगी, वो आपको सुनाई देगी। यहाँ पे फीचर बताया गया है स्मार्ट क्लाउड का, बिकॉज क्योंकि आपके कैमरे की जो कोई भी रिकॉर्डिंग होगी वो एक क्लाउड स्पेस में प्लेस में होगी। और यहाँ पे फिर फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं कि आप इसको आईफोन और एंड्रॉइड फोन और कंप्यूटर सब में यूज कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे कुछ पिक्चर्स भी हैं, तो चलिए फ्रेंड्स इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे ऊपर भी वही सारी फीचर्स दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स ये है कैमरा, तो चलिए इसको निकालते हैं। तो फ्रेंड्स ये कैमरा है, तो चलिए इसको साइड में रख देते हैं और देखते हैं और बॉक्स कॉन्टेंट क्या क्या है। फ्रेंड्स यहाँ पे इसका यूजर मैनुअल दिया गया है कि आपको कैमरे को कैसे सेटअप करना है और कैसे यूज करना है, तो चलिए इसको भी साइड में रखते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स इस कैमरे का एक स्टैंड दिया गया है जो कि आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ से ढीला और टाइट करने के बाद आप इस स्टैंड को एक जगह पे फिक्स कर देना रहेगा और यहाँ पे इसमें आप अपना कैमरा यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप इसको छत में या जहां कहीं भी लगाना चाहते हो, यहाँ पे इसके दो कांटी दी गई है, इसको आप ड्रिल करके या वैसे भी ठोक के आप इसको लगा सकते हैं, फिर इसमें आप अपने कैमरे को सेट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स इसको साइड में रख देते हैं। यहाँ पे आपको एक एडाप्टर और एक केबल मिलती है जो की है फ्रेंड्स ये है AC और DC एडाप्टर है जो कि जिसका इनपुट है 100 और 240 वोल्ट और इसका आउटपुट है 5 वोल्ट 1600 mAh का है। ये मेड इन चाइना है फ्रेंड्स। और ये जो केबल दी गई है ये बहुत ओल्ड टाइप की जो पहले चार्जर्स आते थे मोटे पिन के वो दी गई है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको साइड में रखते हैं और देखते हैं कैमरे के बारे में। तो फ्रेंड्स ये जो कैमरा है इसमें यहाँ पे दो नेटवर्क के लिए दिया गया है। इसको आप वायरलेस तरीके से अगर यूज करना चाहते हैं तो इस नेटवर्क रिसीवर के जरिए होगा। और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है जो कि आपके राउटर से कनेक्ट आप कर सकते हैं इसको वायर के जरिए। और यहाँ पे नीचे आपको TF कार्ड लगाने का ऑप्शन मिलेगा और फिर फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पावर का इनपुट देना रहेगा। तो और फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे वो जो मैंने अभी पिन की बात की थी कि आप इसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स ये यहाँ पे बताया गया है, इसको आप यहाँ पे ऐसे लगा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स इसको आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। इसको लगाने के बाद फ्रेंड्स अगर आप इसको छत में लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, जिस जगह पे लगाना चाहें आप इसको टाइट करके लगा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इसको निकाल देते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स एक बारकोड दिया गया है जो कि इसको सेटअप करने में मदद करेगा। और फ्रेंड्स ये साइड में रोटेट हो जाता है और अप एंड डाउन रोटेट हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स इसका सेटअप करते हैं और देखते हैं इस वीडियो की क्वालिटी, इस कैमरे की क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी कैसी है। यहाँ पे फ्रेंड्स एक माइक दिया गया है और यहाँ पे फ्रेंड्स ये स्पीकर दिया गया है जो कि आपके कैमरे को डुअल इंटरकॉम में मदद करेगा। और यहाँ तो चलिए फ्रेंड्स इस कैमरे को पावर सप्लाई देते हैं। यहाँ पे इसकी पिन दी गई है और यहाँ पे लिखा है DC 5 वोल्ट, तो चलिए इसके चार्जर को यहाँ पे लगा देते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स इस चार्जर को लगा दिया है और यहाँ पे भी आपको बताएगा सिस्टम स्टार्टिंग, फिर आपको बताया जाएगा कि सिस्टम स्टार्टेड, तब उसके बाद में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स ये बता दिया है कि सिस्टम स्टार्टिंग, फिर इसके बाद में आपको कुछ समय का वेट करना पड़ेगा। फिर इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस कैमरे को अपने वाईफाई से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और आप इस कैमरे की वीडियो को कहीं पर भी बैठ के कैसे देख सकते हैं। फ्रेंड्स ये जो कैमरा है ये आपको 360 डिग्री का आपको वीडियो क्वालिटी देगा। तो देखिए फ्रेंड्स जैसा कि अभी ऑटोमेटिक रोटेट हो रहा है, ये चेक कर रहा है कि इस कैमरे में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अभी फ्रेंड्स ये बताएगा सिस्टम स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स इस कैमरे ने बताया कि इसका सिस्टम स्टार्टेड कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ कि इसका सेटअप करना कैसे करना है। तो फ्रेंड्स आप अपने फोन में जाइए और यहाँ पे आप अपने प्ले स्टोर से जाके V380 नाम का एक ऐप है, तो इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। फिर इस ऐप को आप जब ऐसे खोलेंगे तो कुछ ऐसा लिखेगा दिखाई देगा, यहाँ पे आपको कुछ चाइनीज लिखा दिखाई दे रहा होगा। फिर यहाँ पे फ्रेंड्स इसको करने से पहले आपको यहाँ पे जाके अपने फोन का वाईफाई ऑन करना होगा। फिर आपको वाईफाई में इस कैमरे का दिखाई देगा 3882
5572। तो फ्रेंड्स ये आप चेक कर सकते हैं कि आपका ही कैमरा है, यहाँ पे पीछे ये नंबर आपको डिजिट दिया गया है 3882 5572। तो फ्रेंड्स ये इसी का है और मैंने यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये कनेक्टेड हो चुका है। तो चलिए डन करते हैं। फिर यहाँ पे आपको उस एप्लीकेशन में फिर जाना है V380 नाम के एप्लीकेशन में। फिर यहाँ पे आपको करना है लोकल लॉगिन। आप लोकल लॉगिन करने के बाद में यहाँ पे आपको एक प्लस का निशान दिखाई देगा, तो इसका मतलब होता है कि आप कोई नया डिवाइस ऐड करना चाहते हैं। तो चलिए प्लस कर देते हैं। फिर यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप ऐड किस तरह से करना चाहते हैं, तो चलिए ऐड नेटवर्क डिवाइस, क्योंकि हमने इस कैमरे को अपने वाईफाई से कनेक्ट कर लिया है। चलिए ऐड नेटवर्क डिवाइस करते हैं। फिर यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे पूछा जाएगा कि आपके डिवाइस की आईडी क्या है, तो इसको आप यहाँ पे से बारकोड कैमरा ऑन करके इसको स्कैन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने स्कैन कर दिया है इसका, तो यहाँ पे आप इसको लिख भी सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने स्कैन कर दिया है। यहाँ पे फिर आपको लेंस सर्च करना होगा, तो लेंस सर्च जब मैंने किया तो अभी आपका देखिए कैमरा ऐड हो चुका है। तो फ्रेंड्स फिर इसका वीडियो आपको देखने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, तो फ्रेंड्स ये आपको बता रहा है कि आपने इस डिवाइस को पहली बार कनेक्ट किया है और आपके इस डिवाइस का कोई पासवर्ड नहीं सेट है, ताकि फिर से जब आप कहीं भी लोग रहें और लोकल लॉगिन करें तो आपसे आपको एक यूजर आईडी मिलेगी और एक पासवर्ड आपको सेट करना होगा। तो यूजर आईडी फ्रेंड्स यहाँ पे पहले से दिया गया है एडमिन, तो ये आपकी यूजर आईडी है, आप इसको चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको पासवर्ड अपना सेट करना होगा, तो चलिए पासवर्ड सेट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे पासवर्ड करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए इस फ्रेंड इस पासवर्ड को आपको कंफर्म करना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फ्रेंड्स ये मैंने कर दिया है, इसको कंफर्म कर देते हैं। पासवर्ड एक्सटेंड टू वीक, फ्रेंड्स ये बता रहा है कि ये पासवर्ड का एक्सटेंड जो है आपका ये काफी वीक है, तो चलिए इसको कुछ चेंज करते हैं। तो चलिए इसको कर देते हैं एडमिन। एडमिन 1 2 3। तो फ्रेंड्स इसको यहां पे मैं कंफर्म कर दूं। तो फ्रेंड्स मैंने यहां पे अपना पासवर्ड डाल दिया है, यहां पे आप देख सकते हैं यूजर नेम, अगर आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको चेंज करके अपने चैनल का नाम लिख देता हूं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे अपना यूजर नेम चेंज कर दिया है, यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल दिया है, तो यहाँ पे मैं इसको कंफर्म कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बता रहा है कि आप इस कैमरे की सेटिंग को सेव कर चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप प्ले करते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ये कैमरा ऑन हो रहा है। ये फ्रेंड्स कुछ प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि मैं एक इसके ऑडियो को मैं फ्रेंड्स बंद कर दे रहा हूँ, इसके ऑडियो को मैंने बंद कर दिया है बिकॉज क्योंकि इस कैमरे पे जो कुछ भी बोला जाता है वो आपके फोन पे सुनाई देगा, तो यहाँ से आप इसको म्यूट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे आपको पोजीशन रीसेट करने के लिए दिया गया है, तो यहाँ पे आप इसको प्रीसेट कर सकते हैं। तो इसको चलिए चेंज करते हैं। फिर यहाँ पे आपको एक PTZ का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको आप करके इस कैमरे को मूव कर सकते हैं। अप डाउन, देखिए मैं अप कर रहा हूँ, फिर इसको डाउन कर दे रहा हूँ, फिर इसको आप रोटेट कर सकते हैं, देख सकते हैं फ्रेंड्स इसको आप रोटेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको अपनी तरफ रोटेट करता हूं, और फ्रेंड्स इसको आप इस तरह से रोटेट कर सकते हैं, आप इससे 360 डिग्री का व्यू ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मैं इसको अभी अपनी तरफ रोटेट करके आपको दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स मैं इसको अपनी ओर रोटेट कर रहा हूं, तो फ्रेंड्स ये था इसका रोटेशन। तो चलिए इसको बैक करते हैं। यहाँ पे आपको एक स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मिलेगा, बिकॉज इसमें आपको सुविधा ये मिलेगी कि आपके मोबाइल में या कैमरे से जो कोई भी वीडियो आपके सामने चल रहा होगा आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ पे आपको होल्ड टू टॉक का ऑप्शन दिया गया है, जब आप इसको होल्ड करके कुछ भी बोलेंगे तो आपके कैमरे में वो आवाज सुनाई देगी। तो चलिए मैं इसको चेक करता हूँ। हेलो टेस्टिंग। तो फ्रेंड्स आपने सुना कि मैंने अभी जो अपने फोन में बोला ये कैमरे से आपको आवाज सुनाई देगी, और यहाँ से आप इसके वीडियो की रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था इस कैमरे का कंप्लीट सेटअप, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके आप बता दीजिएगा अगर आप इसमें मुझसे कुछ प्रॉब्लम रह गई हो या आपको कुछ लगे इस कैमरे के बारे में कुछ अच्छा है, तो इसको आप लाइक कमेंट और शेयर प्लीज कर दीजिएगा।